हाय फूडीज, वेलकम बैक टू माय चैनल। खाने के साथ अगर कोई मज़ेदार सा सैलेड मिल जाए तो खाने का स्वाद बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। और दो रोटी की जगह आप चार रोटी खाते हो, तो आज मैं आपके लिए चार प्रकार के सैलेड रेसिपीज लेकर आई हूँ। इसे बनाने के लिए बहुत ही कम समय लगता है और बहुत ही कम इन्ग्रीडियंट से बनती है। तो चलिए पहले देखते हैं अनियन विथ कर्ड सैलेड। अब उसके लिए मैंने एक प्याज दिया है मीडियम साइज़ का, 2 से 3 टेबलस्पून दही लिया है, बारीक कटी हुई फ्रेश हरा धनिया पत्ता और नमक लिया है। तो सबसे पहले हम प्याज को कट कर लेते हैं। उसके लिए मैंने नीचे और ऊपर का छिलका और पार्ट निकाल दिया है। अब इसके आप रिंग्स बना सकते हो या फिर इस तरह से बारीक स्लाइसेस कट कर सकते हो, और ये स्लाइसेस हमें इवनली कट कर लेना है। मैं यहाँ पर बारीक स्लाइसेस कट कर रही हूँ। अब उसके बाद हम दही लेते हैं और उसे बीट कर लेते हैं, यानी कि हमें इसे अच्छी तरह से फेंट लेना है। तो 1 से 2 मिनट के लिए इसे फेंट लेते हैं। अब दही में हम रेगुलर वाला नमक ऐड करेंगे, तो आप अपने स्वादानुसार नमक ऐड करिए। और अब इसे मिक्स करने के बाद हमने जो प्याज काट के रखा है उसका तीखापन और स्मेल जाने के लिए हमें उसे वॉश कर लेना है। अगर आपका प्याज तीखा नहीं है तो आप उसे धोए बिना ही ले सकते हो। प्याज से पूरा पानी स्ट्रेन आउट कर लेंगे और वो प्याज हमें इस दही में ऐड कर देना है। और प्याज को ऐड करने के बाद हमें बारीक कटा हुआ धनिया पत्ता ऐड कर देना है, इसका भी फ्लेवर बहुत ही अच्छा लगता है। और अब हम इसे मिक्स कर लेते हैं। तो ये सैलेड बहुत ही क्विक बन जाता है। अगर आपको इसमें दही कम लग रहा है तो आप ऐड कर सकते हो। तो इसे हम नॉनवेज के साथ सर्व कर लेते हैं। अगर आप नॉनवेज नहीं खाते हो तो आप इसे वेज के साथ भी एंजॉय कर सकते हो। इसे आप वेज बिरयानी के साथ खा सकते हो या फिर कोई भी स्पाइसी करी के साथ एंजॉय कर सकते हो। नेक्स्ट है स्प्रिंग अनियन विथ कर्ड सैलेड। तो ये हरा प्याज मैंने पहले से ही कट कर लिया है। आपको इसमें स्प्रिंग अनियन का दोनों पार्ट लेना है, जो प्याज वाला पार्ट होता है वो भी और हरा वाला पार्ट होता है वो भी लेना है। और ये कुछ मैंने हाफ कटोरी के करीब हरा प्याज लिया है। हरे प्याज को मैंने पहले धो लिया था और फिर उसे बारीक कट कर लिया है। उसके बाद हम बारीक कट किया हुआ प्याज का पार्ट लेंगे और उसके साथ हमें ऐड कर देना है 2 से 3 टेबलस्पून गाढ़ा दही, 1/4 टीस्पून चीनी ऐड कर देंगे, और आप यहाँ पे पीठी शक्कर का भी यूज़ कर सकते हो। उसके बाद हम ऐड करेंगे स्वादानुसार नमक, और उसके साथ हमें ऐड कर देना है फ्रेश कुटी हुई जीरा पाउडर, और ये फ्रेश है और रफली कुटी हुई है। इसका फ्लेवर सैलेड में बहुत ही अच्छा आता है, आप इसे ज़रूर ऐड करें। अब इन सारी चीज़ों को हम मिक्स कर लेते हैं। और यहाँ पे मुझे दही थोड़ा सा कम लग रहा है तो मैं और ऐड कर रही हूँ। इसे आप कम दही में भी बना सकते हैं। सैलेड में दही मुझे ज़्यादा पसंद है तो इसीलिए मैं ज़्यादा ऐड कर रही हूँ। तो अब ये दूसरा सैलेड भी तैयार है, बहुत ही कम समय लगता है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे पत्ता गोभी टमाटो एंड दही का सैलेड। उसके लिए मैंने एक कटोरी पत्ता गोभी बारीक कट कर लिया है और इवनली कट करेंगे, अच्छे से वॉश करके लेंगे और पानी सारा स्ट्रेन आउट करेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे आधा बारीक कटा हुआ टमाटो, स्वादानुसार नमक, और उसके साथ 1/4 टीस्पून काली मिर्च पाउडर ऐड करेंगे। अगर आपको काली मिर्च पाउडर का स्वाद पसंद नहीं है तो आप उसके जगह चाट मसाला भी ऐड कर सकते हो। अब इसमें हम ऐड करेंगे गाढ़ा दही, तो आप अपने अकॉर्डिंग गाढ़ा दही ऐड करिए। अब इन सारी चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं। और यहाँ पे मैं चीनी को ऐड करना भूल गई थी, तो 1/4 चम्मच चीनी ऐड कर देंगे। तो ये तीसरा सैलेड तैयार है। आप इसे वेज या फिर नॉन वेज के साथ एंजॉय कर सकते हो, बहुत ही अच्छा लगता है ये, थोड़ा सा डिफरेंट है। अब लास्ट हम बनाएंगे अनियन एंड ग्रीन चिली सैलेड। तो उसके लिए मैंने एक प्याज बारीक स्लाइसेस में कट कर लिया है इस तरह से। प्याज को आप स्लाइसेस की जगह रिंग में भी कट कर सकते हो। तो एक एक स्लाइस को हमें ओपन कर लेना है, यानी कि लूज करते जाएंगे। और इसे अब एक स्पाइसी फ्लेवर देने के लिए बारीक कटी हुई हरी मिर्च ऐड कर देंगे, उसके साथ अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रेगुलर वाला नमक, 1/2 टीस्पून चाट मसाला और बारीक कट किया हुआ धनिया पत्ता ऐड कर देंगे। तो इसे हम एक टैंगी फ्लेवर देंगे। उसके लिए हम लेमन जूस ऐड करेंगे, आप चाहे तो यहाँ पर सिरका भी यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने एक नींबू का जूस ऐड कर दिया है। अब इन सारी चीज़ों को हम मिक्स कर लेते हैं। इसे मिक्स करने के लिए हाथों का यूज़ कीजिए, बहुत ही अच्छी तरीके से मिक्स हो जाता है। आप इसे बिरयानी के साथ सर्व कीजिए, बहुत ही अच्छा लगता है।
और अगर आपको ये आज का वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और मेरी दूसरी बनाई गई रेसिपीज को देखने के लिए स्क्रीन में दिए गए लिंक्स पर क्लिक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बी हैप्पी एंड स्टे हेल्दी। थैंक यू।